मुंबई कांग्रेस के माइनॉरिटी विभाग के कुलर तालुक अध्यक्ष मतीन शेख के नेतृत्व में कुलर के एलबीएस रोड पर कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ का जनसंपर्क कार्यालय शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन खुद वर्षा गायकवाड़ ने किया। इस दौरान मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष हाजी इब्राहिम भाईजान, कांग्रेस नेता निलेश नानचे और शिवसेना यूबीटी के विभाग प्रमुख महेश पेंडेकर सहित स्थानीय वरिष्ठ नेता वे कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस बार बदलाव होकर ही रहेगा। देखिए, उत्तर मध्य मुंबई हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से 2004 में वर्षाताई गायकवाड़ के पिताजी एकनाथ राव गायकवाड़ जी 70,000 वोट की लीड लेकर जीत के आए थे। अब 20 साल बाद उन्हीं की बेटी वर्षाताई गायकवाड़ को यहाँ से उम्मीदवारी मिली है। मुंबई क्षेत्र में 6 मतदार संघ एमपी के हैं, जिसमें से हमारे हिस्से में कांग्रेस के हिस्से में उत्तर मध्य मुंबई मतदार संघ आया है। जब ये कलीना नेहरू नगर मतदार संघ हुआ करता था, उसके अभी 2 मतदार संघ बने हैं, कुर्ला मतदार संघ और एक कलीना मतदार संघ। यहाँ से हमेशा ही कांग्रेस का साथ हमने दिया है। अब की बार जो पिछली बार हमें यहाँ से 3,56,000 वोट प्रियदत्त को मिले थे, उस समय की बात और अब की बात, इसमें फर्क है। अब के समय हमारे साथ में महाविकास आघाड़ी के लोग पार्टियां शामिल है, जिसमें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी, राष्ट्रवादी शरद पवार गट की पार्टी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष और आरपीआई, इन सब लोगों का समर्थन मिलके कम से कम 3 लाख वोट की बढ़ोतरी हमारे 3,56,000 में होने जा रही है। जैसे कि 6,56,000 की मार्जिन से यहाँ हमारा उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतने जा रहा है। आने वाली 20 तारीख को कांग्रेस का बटन 3 नंबर पे है। हम आपसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि भारी से भारी बहुमतों से यहाँ से वर्षाताई गायकवाड़ को आप विजयी बनाइए और आने वाले दिनों में ये कांग्रेस का परचम जो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना हो, सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करना हो, राहुल गांधी ने जो वादे आपसे किए हैं वो अगर पूरे करने हैं तो कांग्रेस पार्टी को जिताइए और भारी से भारी बहुमतों से देश में सत्ता का परिवर्तन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। देखिए, नफरत फैलाने वालों खसारे भी आएंगे, तुमको मिटाने वाले इशारे भी आएंगे, और जो तुम फैलाओगे मुल्क में नफरत की लहर, तो मोहब्बत का सैलाब लेके वर्षाताई गायकवाड़ और राहुल गांधी भी आएंगे। ये बात आप आपके ध्यान में बिठा लो कि आने वाले चुनाव में वर्षाताई गायकवाड़ 5 लाख वोटों से जीत रही है और इस लोकसभा सीट से भारी बहुमतों से यहाँ की जनता, यहाँ के बड़े बुजुर्ग, यहाँ का इस क्षेत्र का जवान, इस क्षेत्र का जो युवा बेरोजगार है, जो इस सरकार से पीड़ित है, उसने इस बात को ठान लिया है कि आने वाली 20 तारीख को हाथ का निशानी का बटन दबा के भारी बहुमतों से वर्षाताई गायकवाड़ को जिताने की कोशिश करेंगे। मैं लोगों से ये निवेदन करूंगा कि घरों से बाहर निकले, रास्तों पर आए, सुबह में सबसे पहले हम जाकर अपने वोट को दे और इनको जिताने का काम करें। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनूसा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हमको एक एक वोट को जमा करना है, तिनका तिनका जमा करना है और 20 तारीख को वर्षाताई गायकवाड़ को भारी बहुमतों से जिताने का काम करना है। धन्यवाद। आमचा उमेदवार वर्षाताई गायकवाड़ या महाविकास आघाड़ीचा उमेदवार आहेत, त्यांची निशाणी आहे हाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। त्याप्रमाणे ये आपल्याला स्वतःहून काही आपलं जबाबदारी घेऊन काम करायची आहे। इथे बदल असा हवा आहे की आताचे जे सरकार आहे ते फक्त मोदी सरकार आहे, ते ॲक्च्युली केंद्र सरकार, राज्य सरकार असं आतापर्यंत संबोधलं जायचं। परंतु ज्या वेळेला 2014 पासून मोदी PM म्हणून आपल्याला जेव्हा लाभले, त्यावेळेला त्यांनी फक्त मोदी आणि मोदीच चालवले। मग महाराष्ट्राच्या जनतेला हा प्रश्न आहे की सर्व काही जनतेच्या इन्कम टॅक्स म्हणा, कर म्हणा, संपूर्ण आपल्याकडून घेतात आणि भारत सरकारच्या ऐवजी मोदी सरकार, म्हणजे मोदी म्हणजे काय आहे, मोदी म्हणजे एक व्यक्ती आहेत, ते ठीक आहे, त्यांना आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना निवडून दिलेलं आहे, परंतु त्यांनी आतापर्यंत
कोणतेही सामाजिक विकास केलेले नाही. झिरो म्हणून पत्रकार परिषद त्यांनी आतापर्यंत एकही पंतप्रधान असा झालेलं नाही की त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली नाहीये. परंतु फक्त मोदीच आहे की पत्रकारांसमोर आले का तुम्ही पत्रकारांसमोर येत नाही. तुम्ही जर म्हणताय मोदी की गॅरंटी गॅरंटी की मी गॅरंटी असं कुठेही कुठं आम्हाला दिसत नाही आहे. उलट महिलांच्या डोळ्यामध्ये आसरू आहेत. आज मणिपूरची जी घटना घडलेली आहे त्या मणिपूरच्या घटनेमुळे प्रत्येक महिलेच्या डोळ्यात पाणी आहे. आजपर्यंत इतक्या महिलांवर अत्याचार कुठल्याही पीएमच्या राज्यामध्ये झाले नव्हते जे आता झालेले आहेत. महागाई इतकी उंच अतिउच्च झालेली आहे की महिलांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आहे. पूर्वी दाल रोटी खाओ प्रभुके गुण गावो म्हणून माणूस खूप सुखी होते. परंतु आज आईला डाळ भात भरवताना मुलाच्या तोंडात डाळ भात भरवताना तिच्या डोळ्यात पाणी आहे. 400 रुपयाचा गॅस जवळजवळ आता 1200 रुपयांवर गेलेला आहे. महागाई एवढी वाढलेली आहे की ते आम्हाला महिलांना तरी हे शक्य होत नाही आहे. आज बेरोजगारी पण वाढलेली आहे. अजिबात एकही म्हणजे संपूर्ण खाजगीकरण चाललेलं आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकार या दोन्हीमध्ये एक इकडे उपमुख्यमंत्री आहेत, मिंदे सरकार आहे, तिकडे मोदी सरकार आहे. काय आम्हाला हा बदल पाहिजे कारण आम्हाला हा लोकशाहीचा विकास करायचा आहे. हा भारत सरकारचा विकास करायचा आहे. आमच्या महाराष्ट्र राज्याचा विकास करायचा आहे. आमच्या मुंबईचा विकास करायचा आहे. संपूर्ण उद्योगधंदे तुम्ही गुजरातला नेलेत. महाराष्ट्रामधून तुम्ही पूर्णपणे एक बेरोजगारी वाढवली आहे. आम्हाला हे नको आहे. आम्हाला स्वस्त धान्य नको आहे किंवा आम्हाला फ्री धान्य नको आहे. आम्हाला महिलांच्या आणि पुरुषांच्या आमच्या मुलांच्या हाताला काम पाहिजे. जय हिंद जय महाराष्ट्र. उत्तर मध्य मुंबई में वर्षाताई गायकवाड ये चुनाव के लिए प्रत्याशी है और यहाँ से जनमत उनके सब फेवर में पूरा. आज हम घूम रहे हर लोकसभा में घूम रहे लोकसभा में पूरा ताई के फेवर में पूरा जनमत घुमाए. आज नेताओं के हाथ में नहीं, जनता की जनता ने चुनाव उठा के लिया है और जो वोटिंग होगा वो कांग्रेस के हक में होगा और ये माँ इंडिया आघाड़ी के हक में होगा. इतना हमें 100% मालूम. हमारी वर्षा गायकवाड़ बहुमत से जीतेगी. आज इधर जो हमारा चुनावी कार्यालय खुला है ये मतीन भाई के बहुत ताकत लगा के बहुत मेहनत करके उन्होंने खोला है. और ये इधर से तालुका अध्यक्ष भी है माइनॉरिटी के और अच्छा इनका जनसंपर्क है और इनका जनसंपर्क जैसा आसिफ भाई है इधर से अनिप भाई और गणेश भाई है बहुत सारे लोग इधर सब कार्यकर्ताओं की जोड़ है. राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं के बहुत हमें सपोर्ट हो रहा है. समाजवादी वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं. सब लोग सब पार्टी सेने वालों का तो बहुत बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने तो पूरा उठा के रखा है इलेक्शन पूरा पकड़ के. तो देखो आज ये इलेक्शन हमको मोदी के हाथ से सत्ता यानी जो हुकुमशाही के हाथ से हमें अपना लोकतंत्र बचाना है संविधान बचाना है इसका इलेक्शन है. और हर जनता इसके पीछे साथ में हमारे साथ में है और जनता का आज ये इलेक्शन हुआ है. हम लोग खाली नाम मात्र है. हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं बस इतना ही. थैंक यू धन्यवाद. आज नमस्ते. मैं यहाँ का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का तालुका प्रेसिडेंट हूँ. मतीन शेख मेरा नाम है और मैं यहाँ पर ज़मीन के ऊपर जो काम कर रहा हूँ और जो मुझे यहाँ के हमारे पब्लिक की जो मुझे यहाँ पे सेवा करने का मौका मिल रहा है और मैं लोगों के अंदर भी देख रहा हूँ एक हमारी एक पार्टी की एक लहर चल चुकी है यहाँ पर और लोगों के अंदर एक उत्साह है कि हम कांग्रेस को ही देंगे. और हमारे जो कुछ लोग हैं हमारे जो बच्चे हैं आज घर घर जाके एक संदेश भी दे रहे हैं. हर चीज़ से हम तो पूरी तरह ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं और इसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी अच्छी बहुमत के साथ में ताई को संसद तक पहुंचाएंगे. आप लोग का बहुत आभारी हूं कि मेरे इस प्रोग्राम में आप लोग ने मेरे साथ सपोर्ट किया है. हमारे इब्राहिम भाईजान और हमारे वर्षा ताई हमारे अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन भाई इब्राहिम उनकी तरफ से भी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. हमारे वर्षा ताई की तरफ से भी मैं बहुत इसका शुक्रिया अदा करता हूँ. और हमारे मिलिन अन्ना साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. महेश पेंडेकर साहब इन लोगों ने मेरे जो ऑफिस के अंदर योगदान दिया है मैं उनको तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ. आपने आपको ऑफिस दिया कांग्रेस के विचार के है तो मैडम ऐसा है ये मुद्दों की लड़ाई है. इस मुद्दों की लड़ाई में हम सब जमीन से लेके पहाड़ तक आपका साथ देंगे इंशाल्लाह ताला.
वर्षाताई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये ऑफिस खुला है, मतीन भाई का धन्यवाद। हरीशा माँ के ऑफिस ओपन हो गया, इधर से बहुत काम हो रहा है। घर घर के पैकेट पहुँचा के लिए, वोटर स्लिप पहुंचने के लिए अभी लास्ट मोमेंट आ गया, इलेक्शन के 4-5 दिन बचे हैं। ऐसे में आप सबको देखना है कि हमारा घर घर में झंडा पहुंचना चाहिए, घर घर में विचार पहुंचने चाहिए। जितने आपके पहचान के हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, जहाँ भी हैं, उनको कहना है कि इस बार महा सागारी को जो है वो वोट देना है और भारी संख्या में उनको जुटाना है, क्योंकि इस देश की राजनीति में संविधान बचाना है, इस देश की लोकशाही बचानी है, तो सबको साथ में मिलकर आना होगा और आने वाले दिनों में कार्यक्रम करना होगा। तो मैं मतीन भाई का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आप सबको मालूम है कि वो सन्मान्य उद्धव बाला साहब ठाकरे, सन्मान्य शरद चंद्र पवार, अखिलेश यादव जी सपा के, साथ ही साथ में अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सारी पार्टियाँ एक जगह पे आई है। वो इस बार आई है कि हुकुमशाह तानाशाही और एक दूसरे के लिए हिटलरशाही को जो चल रहा है उसको बंद करने का काम करना है और इतिहास बनाना है और सबको साथ में मिलकर चलना है। सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। जैसे कि नानचे साहब ने बताया कि ये जो लड़ाई है ये जनता लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ये लोकशाही को बचाने वाला चुनाव है। और इस बार जनता अपनी लोकशाही को बचाने के लिए, जो लोग हुकुमशाही चला रहे थे पिछले 10 साल से, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आज जनता रोड पर आई है। और जनता ने तय कर लिया है कि इसको चुनना है, क्योंकि जिस तरह के हालात पूरे देश के अंदर पैदा किए गए 10 साल के अंदर, वो सारे लोग देख रहे हैं। कोई एक समाज की बात नहीं, हर समाज के लोग इनसे परेशान हैं। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगार है, शिक्षा से लोग वंचित हो रहे हैं, रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे लोग त्रस्त है। जो साधारण जनता है वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इस देश का संविधान बदले, क्योंकि इस देश का संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये देश टिका है। और ये संविधान ही इस रोड पे चलने वाले एक साधारण व्यक्ति को और महलों में रहने वाले अमीर आदमी को एक ही वोट का अधिकार देता है। तो ऐसे संविधान को बचाने की जब लड़ाई आ जाती है, जब लोग ऐसे संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो यकीनन पूरी जनता, फिर वो कोई भी जात और पात की लड़ाई नहीं होती, फिर कोई पार्टी की लड़ाई नहीं होती, ये जनता की लड़ाई हो गई है। इसलिए मुझे यकीन है इस क्षेत्र से जो हमारी उम्मीदवार है वर्षाताई गायकवाड़, एक अच्छी उम्मीदवार है। क्योंकि अगर उम्मीदवारों का भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो कभी भी जनता के बीच उनकी सेवा के लिए नहीं गए। उन्होंने जो भी काम किया है उसके बदले में उन्होंने करोड़ों रुपया फीस के तौर पर महाराष्ट्र सरकार से लिया है। आज कसाब को फांसी दिलाने का मुद्दा हो या और कहीं केसेस हो, आज वो उस चीज़ का इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए महाराष्ट्र सरकार से बड़ी फीस ली है। लेकिन एक तरफ इंडिया अघाड़ी की जो उम्मीदवार है प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी, उनका एक अलग मुकाम है। उनके पिता भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, धारावी से मिले रहे, उन्होंने हमेशा लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने का काम किया है। और वर्षाताई गायकवाड़ भी एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर, ऐसी उम्मीदवार इंडिया अघाड़ी ने दी है जो लगातार 20 साल से MLA है, महाराष्ट्र की मंत्री रह चुकी है, महिला बाल कल्याण मंत्री रह चुकी है, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी है, तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है, तो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने निर्णय इस महाराष्ट्र सरकार में रह के लिए है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता है एक अच्छा निर्णय लेगी और आने वाले दिनों में वर्षा गायकवाड़ को हम दिल्ली में लोकसभा के अंदर लोगों के मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाते हुए देखेंगे। धन्यवाद।